लगेंगे कि मैं गुड मॉर्निंग क्यों बोल रही हूँ जबकि इतनी ज्यादा यू नो अंधेरा हो रखा है, बट इट्स ओनली 11:20 राइट नाउ और आज इतनी ज्यादा तेज बारिश हो रही है, इतनी ज्यादा हवा चल रही है और इतने सारे ओले पड़ रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो सब कुछ। तो बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी थे एंड किस चीज में बिजी थे, सो यू नो समथिंग स्पेशल है बता दूं, रजत भी यहीं बैठा है। सो आई एम गेटिंग मैरिड, वी आर गेटिंग मैरिड, कितना अजीब लग रहा बोलते हुए राइट, बालिका वधु ऐसा कुछ नहीं है। सो बस आपको पता ही चल गया होगा प्रपोजल से, बट अभी 2 महीने से हम लोग तैयारियों में लगे हुए हैं शादी की एंड और मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि यू नो बहुत चीजें होती हैं करने को तो आपका ध्यान नहीं जाता उस चीज पे। तो अब मैंने सोचा है कि अब मैं शूट करूंगी सब कुछ जो मैं करूंगी, अब वो किस तरीके से कंपाइल होगी वीडियो वो मुझे नहीं पता। तो आज हम शॉपिंग करने जा रहे हैं तो चले वहां पे और वहां जाके दिखाती हूँ आपको, और अभी बारिश भी देख लो थोड़ी सी। मॉडिफिकेशन थी वो भी हो चुकी है आज। लोग पहुंच चुके हैं शाम मॉल में एंड बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी तो मुझे ड्रॉप ऑफ कर दिया रजत ने, तो वो भी पार्क करने गए अपनी कार। तो लेट्स सी, कलर्स अच्छे आ रहे हैं अभी फ़िलहाल है ना, ऐसे करके अगर मैं देखूँ तो तो ये पुरानी क्लिप्स हैं जो मैंने अभी ऐड की हैं इसमें, जब मैं आई थी अपनी ज्वेलरी सिलेक्ट करने तो मम्मी जी के साथ, तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी ज्वेलरी देखी थी, उसमें से हमने ये 4 नेकलेस शॉर्टलिस्ट किए थे। तो हम इस वक्त इसमें से भी देख रहे थे कि कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा है, कौन सा यू नो एक्चुअली में मुझ पर सूट करेगा। तो हमें काफ़ी पसंद आई, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी, इवन बैंगल्स की भी इनके पास इतनी ज़्यादा कलेक्शन थी कि आपको पूरा दिन लग जाएगा सिलेक्ट करने में। तो लास्ट में हमें आया था ये वाला नेकलेस पसंद। चेक कर लो, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। मतलब पहले मैं सोच रही थी कि यहाँ पे रेड वाला डालूं पर्ल ना, बट ये ग्रीन अच्छा लग रहा है ना। ओके सो इसके साथ है हमारे पास ये वाले ईयर रिंग्स। अब इसके ना बहुत मोटा होता है ये, पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक नहीं है। अच्छा आ रहा है, कलरफुल तो है ना। Even earrings are pretty. मतलब पूरा प्रॉपर अभी तक पहन के नहीं देखा था, पहना है तो अब अच्छा, मतलब कि हाँ कि अब ले रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। Then matching के हैं सारे ना। अच्छा लग रहा है ना। ऐसे ही करते हैं।
मतलब हमारा पूरा प्रॉपर सेट तैयार हो चुका है। ये देखो फर्क पड़ता है, ये देखना पूरा गोल्ड हो चुका है, कितना सुंदर लग रहा है। जब रोज गोल्ड होते हैं ना तो डायमंड उठ के नहीं आता इतना। दिस इज नाइस, पहन के देखते हो फिर पता चलेगा। ये रोज गोल्ड थे, ये भी हो गए ना। हां ये भी हो गए, ये भी हो गए, इसके साथ का पूरा सेट हो गया ना। अच्छा लग रहा है, इसको उतार देती हूं। ये फाइनल नहीं, इसको उतार दो। आई एम गेटिंग मैरिड। एंगेजमेंट रिंग मुझे सबसे अच्छी लगी, बिकॉज इट हैज अ प्रिंसेस टच, है ना। साइड से देखो, साइड से साइड ही है ये नहीं, दूसरी साइड। अच्छा ये वाली साइड, हां ये वाला इसका। दिस सो नाइस। सो एक्चुअली ये मैं क्लिप ऐड कर रही हूँ अगेन जुगनी ज्वेलर्स की, इट इज़ इन सेक्टर 23। तो यहाँ पे हम आए थे यू नो चांदी का सारा सामान लेने, और यहाँ पे इतने अच्छे कलेक्शन है। यहाँ पे नेकलेसेस आपको ऐसे लगेंगे कि पूरे गोल्ड के हैं, है वो सिल्वर के लेकिन लगते पूरे गोल्ड के हैं। तो यहाँ से मैंने ली थी सुंदर सी पायल और यू नो टोर रिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, वो अभी आप देखोगे। ओके सो हम लोग आए थे अपनी सिल्वर की शॉपिंग करने, तो यहाँ पे हमने लिया ये वाली पायल जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी मुझे, घुंघरू भी है इसमें नीचे, और एक है ये सिंपल वाली, इसमें देखो क्रिस्टल भी है बीच में। ये एक्चुअली डेली वेयर डालने के लिए है, एंटीक है ये, थोड़ी वाइट पॉलिश में है, ये एंटीक में है। और ये आ गई टू रिंग्स, ये वाली देखो ये भी बहुत सुंदर थी। और एक है ये वाली, ये थोड़ी सिंपल है छोटी वाली उंगली के लिए, इसमें बीच में एक स्टोन है। एंड ये है मेरी सॉलिटेयर रिंग, ये थोड़ा प्रिंसेस कट में है, बहुत सुंदर है ये भी। एंड ये है रचित की रिंग, यहाँ पे दिखाते हैं मैं इसको थोड़ा सा। ये देखो कितनी बड़ी और कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, पूरी माफिया लुक राइट। ये हो गई, और ये अगेन एक और टू रिंग है हमारी, ये वाली, और ये थम रिंग आ गई है, ज़्यादा ही ले ली हमने। और ये रही सिंदूर की डिब्बी, ये भी बहुत अच्छी लग रही है, इसमें मोर भी है ऊपर, ये देखो नाइस। और ये रचित का ब्रेसलेट है ना रचित, ये देखो रचित का ब्रेसलेट। और ये वाली है सोनी की चेन, बोली चांदी की चेन, ये वाली लड़कों की ऐसी आती हैं। तो ये रहा हमारा सारा सामान जो हमने लिया, और हमें बहुत अच्छा मिल गया। ये रही तिजोरी मेरी पायल की, बहुत अच्छी है, देखो अच्छा अच्छा लग रहा है ना ये, इसकी पैकिंग बहुत संभाल के रखने के लिए देखो सामने भी दिखा रहा है। हां जुगनी सिल्वर ज्वेलरी, और एड्रेस कहां है, सेक्टर 23। ये रहा एड्रेस। ओके बाय। फेवरेट चीज रचित, ये रचित ने दिया है कि मैं इस पे अपनी ज्वेलरी रखूंगी, ठीक है। अब मैं आ गई थी अपनी मम्मी के साथ, मैं मम्मी दीदी रचित जीजू हम सब लोग आए थे कुछ शॉपिंग करने। तो ये सारी क्लिप्स मैं ऐड कर रही हूँ साथ के साथ। तो यहाँ पे कुछ रिंग्स हैं, रचित की इंगेजमेंट रिंग भी इसी में है, कुछ ईयरिंग्स हैं, एंड रचित के लिए हमने एक कड़ा भी लिया था और उसी की पसंद कर लिया था, उसको बहुत अच्छा लगा ये वाला, और हम सबको भी बहुत अच्छा लगा, काफ़ी शाइन कर रहा था। एंड आपको नहीं पता ये शॉपिंग करने में हमें कितना टाइम लगा है, एंड में प्रोडक्ट हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है, बट बहुत टाइम लगता है। ओके सो हम लोग अपनी ज्वेलरी देख के आ गए हैं, कुछ चेंजेस बोले थे तो वो उन्होंने कर दिए हैं, वो भी बहुत अच्छे से, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप लोगों को कैसी लगी
मतलब हमने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया यू नो ढूंढने में, और एंड में बहुत अच्छी मिली तो बहुत ज़्यादा खुशी भी है। कुछ चीज़ें रोज गोल्ड थी उसको गोल्ड में करवाया है, और रिंग आपने देखी मेरी रिंग एंगेजमेंट वाली, माई फेवरेट है ना रजत। अच्छा यहाँ से जाना है, सॉरी मैं तेरे को घूम गई। ओके मैं बोल रही थी कि आपने मेरी एंगेजमेंट रिंग देखी, मेरी फेवरेट है वो, उसमें जो एक प्रिंसेस टच है ना, प्रिंसेस वाला, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे तो। बाकी बस अभी हमने रखवा दी है, कुछ थोड़े से और चीज़ हैं करके फिर हम उसको ले लेंगे, ठीक है। और अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया, दिखाओ, वेट, मौसम भी पूरा खुल गया है, देखो कितना अच्छा लग रहा है अभी ना, धुंध भी नहीं है, ठंड भी नहीं इतनी, मतलब है मुझे लगनी चले ऑफिस पर अब yes, हैं करें काम, मोटी हो गई मैं, काम करना है आज छुट्टी छुट्टी। ओके तो हम लोग शाम मॉल से सीधा अपने ऑफिस चले गए थे, वहाँ पे कुछ काम थे तो हमने सारे काम निपटा दिए हैं और हम फिर से चल पड़े हैं शॉपिंग की तरफ को। तो अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं एलांडे मॉल, क्योंकि वहाँ पे हमने रजत का एंगेजमेंट आउटफिट चूज कर लिया था, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन थी वो दिया था करने के लिए, तो आज हम उसको पिकअप करने जा रहे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और मुझे भी कुछ छोटी मोटी चीजें लेनी है तो वो भी, तो जो जो करती जाऊंगी दिखाती जाऊंगी, ठीक है चलो। ओके सो हम लोग एलांटे पहुंच चुके हैं और मैंने डिसाइड किया सबसे पहले हम लोग जाएंगे जूस पीने, क्योंकि यू नो शादी हो रही है तो, और आप मेरी शक्ल से देख सकते हो कितनी मोटी हो चुकी है, तो हेल्दी हेल्दी पियेंगे और खाएंगे, ठीक है चलो। तो मेरे हेल्दी जूस आ चुके हैं, सैलेड जूस फ्रूट्स, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देखो कितने टाइप के हैं यहाँ पे, जूस भी और सैलेड भी है। तो हम पियेंगे आज बीटरूट जूस, तो रजत ने चूज किया है वाटरमेलन जूस और मैंने किया है बीटरूट जूस। हाँ मतलब रचित का भी हेल्दी है बट मेरा ज़्यादा हेल्दी है। मोहनलाल सन सिंस 1881, यहाँ से रचित का हमने एंगेजमेंट आउटफिट चूज किया है, तो देखते हैं कैसा बन के आया। ओके लेट्स गो। थैंक यू, ले लिया, डन, बहुत अच्छा है। हमारा लांडे का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था जो हमने करना था, और अब हम निकल चुके हैं शाम फैशन मॉल की तरफ। अब हम ज्वेलरी लेने नहीं जा रहे, अब हम लोग सूट लेने जा रहे हैं, तो आई होप हमें अच्छा मिल जाए, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट हमने पूरा 17 देख लिया है, पूरा लांडे देख लिया, हमें कहीं भी कोई भी अच्छा सूट नहीं मिल रहा है, तो लेट्स होप कि शाम मॉल में मिल जाए, राइट। तो लेट्स सी, वैसे वो शूटिंग करने नहीं देते हैं, बट अगर मैंने खरीद लिए सूट फिर तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, राइट। तो चलो अब चलते हैं। Thank you.
सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर है। ये वाली जो चीज है ना, ये वाली इससे अच्छा लग रहा है। नीचे आ रही है, ऊपर आ रही है, कलर भी टील सा सिंपल सा है। कलर देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। एक मिनट थोड़ा सा।